अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने 7 दिनों में ही T20 में अपनी खोई हुई बादशाहत दोबारा हासिल कर ली है और इस फॉर्मेट के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले 2 T20 में 0 और 7 रन बनाकर आउट होने वाले बाबर आजम गुज़श्ता हफ्ते 2 दर्जे तनज़ली के साथ तीसरे नंबर पर आ गए थे, लेकिन उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे T20 में 79 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर की इस इनिंग्स की बदौलत वो T20 रैंकिंग में डेविड मलान के साथ मुश्तरक तौर पर टॉप पर पहुंच गए हैं। दोनों के खाते में बराबर 805 रेटिंग पॉइंट्स है। बाबर आजम इस वक्त वनडे में भी दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है। बाबर के साथ मोहम्मद रिजवान भी इस साल जबरदस्त फॉर्म में है। रिजवान को भी ताज़ा T20 रैंकिंग में भी एक पोजिशन का फायदा हुआ है और वो कैरियर के बेहतरीन 798 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर पहुँच गए हैं। पाकिस्तान के इसकी विकेटकीपर बल्लेबाज ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खत्म होने वाली T20 सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।